वो के मतलब डिपेंडेंट बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि पापा के ऊपर भी आप डिपेंडेंट हो, कुछ भी अगर हम लोगों को परचेस करना है तो इसको पैसा मांगो, नहीं तो उसके पैसा मांगो, मतलब हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन स्मार्ट बिलियन को सेट होके स्मार्ट में काम करके ये प्राउड फीलिंग्स आ गया है कि किसी को पैसा मांगना नहीं है, किसी के ऊपर हाथ फैलाना नहीं है, आप खुद के दम पे बहुत कुछ कर सकते हो, कुछ भी करना हो तो दैट इज पॉसिबल थ्रू स्मार्ट बिलियन। जब मैंने प्लेटफॉर्म को देखा, स्मार्ट रेडियो को देखा, तो मेरे अंदर एक बहुत अच्छा ड्रीम जागा कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने देश तक पहुंच रहे हैं, उनको एक पहचान मिल रही थी कि उनको रिकग्नाइज किया जा रहा था। और एज अ गर्ल मैं चाहती थी अपने नाम की एक वैल्यू बनाना कि यार मेरे नाम से लोग मुझे जाने। बट मेरे सपने बहुत बड़े थे, स्मार्ट वैल्यू बहुत बढ़िया और बड़ा पैसा देता था, इसलिए मैंने सबसे पहले उसको चूज किया कि यार मुझे स्मार्ट वैल्यू ही करना है और एज अ करियर भी करना है। लगातार कि कम उम्र में खुद को साबित कर सकती हूँ, घर का बेटा बन के मम्मी पापा को क्लूज करके वो जगह बना के दे सकती हूँ। तो मुझे लगा कि ये स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म के अलावा और कोई ऐसा जगह नहीं है जो मुझे सारा कुछ दे सकता है। स्मार्ट वैल्यू की जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है जो मुझे इस इंडस्ट्री में मिला है। और अगर मैं बात करूँ अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट पता नहीं था कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बट सिस्टम इतना पावरफुल है हमारा कि मैंने शुरू में अपने फोन भी अपनी इनकम से परचेज करे, आज फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। स्मार्ट वैल्यू की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है। मुझे मैंने स्मार्ट वैल्यू का प्रेजेंटेशन देखा तो मुझे अचीवमेंट करने के लिए और ज्यादा इंस्पायरिंग मिल रहा है। बट मेरी जो अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है वो यही रही है कि मैंने अभी लास्ट ईयर अपना 4-व्हीलर अचीव किया, तो शायद मेरे को सोच पा रहा था कुछ नहीं था स्मार्ट वैल्यू हो पाई। पापा जो बिल्डिंग मिस्त्री थे, तो क्राइसिस बहुत आ गया था फैमिली में, फैमिली ने बोला कि तुम लड़की हो नहीं कर पाओगे, तो मैं उसको सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसको कंपनी के ऊपर बहुत बिलीव था। तो स्मार्ट वैल्यू में एक अच्छा पहचान बनाने का मौका मिल रहा था, जिले पे ये बहुत अच्छा लगा और कम टाइम में एक अच्छी सक्सेस पाने का मौका मिल रहा था। बट स्मार्ट वैल्यू मैंने ये देखा कि अगर एक लड़की स्मार्ट वैल्यू करके एक अच्छे लेवल को अचीव करती है तो डेफिनेटली वो अपने खुद के नाम से जानी जाती है। हर कोई लड़की का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। शुरुआत में तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए हैं। हम लोगों को जो महसूस होता है, हमारे टीम जो है वो हमारा ताकत होती है। पर अपना जब काम करना स्टार्ट किए और बहुत सपोर्ट मिला, यहाँ के लीडर्स बहुत अच्छे हैं, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं और लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी खुद का एक सपना था कि एक लड़की का खुद का घर होना चाहिए, पर ये चीज प्रूव कर सकते हैं स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म से, एक लड़की भी खुद का घर बना सकती है, वो सपना भी मैंने पूरा किया। तो आज के टाइम पे बहुत प्राउड फीलिंग लगता है बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू कि मुझे बहुत लोग इंस्पिरेशन मानते हैं, इसलिए मैं खुद को बहुत प्राउड फीलिंग करती हूँ।